पैरों के प्रिंट्स ठीक है यानी विदाउट अ फुट वी कैन सी दुट प्रिंट क्लियर तो दिस इज इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज राइट बट इट कैन बी पॉसिबल यू गेट इनविजिबल राइट यानी कि अगर आप इनविजिबल हो जाते हो आप किसी को नहीं दिख रहे हो तो सिर्फ आपके फुटप्रिंट्स दिखेंगे लोगों को आपके पैर तो दिखेंगे नहीं राइट अब इसके पहले कि हम ये जाने कि ये स्टोरी में हो क्या रहा है हु इज द मेन कैरेक्टर इन एवरीथिंग लेट्स जस्ट आंसर वन क्वेश्चन कि इफ सपोज आपको यू नो ऐसा कोई मेडिसिन मिल जाए या फिर ऐसा कोई यू नो एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसे अगर आप पी लेते हो खा लेते हो या पहन लेते हो तो आप इनविजिबल हो जाओगे देन वॉट यू विड डू विद इट क्लियर नाउ फॉर मी इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू मी आई बी वेरी एक्साइटिंग राइट आई विल बी वेरी एक्साइटेड आई ऑलवेज यू नो यूज टू थिंक कि काश यू you नो know, कुछ ऐसा होता जिससे मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाती तो चलो ऐसा अगर छोटे होते हैं जब हम तो हमको तो यही लगता है यू you नो know, कि मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज़ें मैं ले आती मैं यू you नो know, बहुत ज्यादा खाना खाती आई वुड हैव गॉन टू सम प्लेस जहां मैं घूमने चली जाती किसी को पता भी नहीं चलता राइट सेम थिंग जो है ना हम यहाँ पर अगर मैं अब अब पूछते हो मुझसे तो मुझे लगता है कि इनविजिबल होना भी यू you नो know, एक एडवांटेज है क्यों क्योंकि आप उस चीज को यूज करके सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो राइट यू कैन डू समथिंग बाय व्हिच द सोसाइटी कैन यू नो गेट अ बेनिफिट यू कैन शो योर काइंडनेस योर स्मार्टनेस टू यू नो जस्ट रिमूव एवरी क्राइम एवरी यू नो बैड थिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड राइट तो अगर इन्विजिबल होने का पार मुझे या आपको किसी को भी मिले और अगर उस पावर को हम यू नो एक रियल टर्म्स में एक्चुअल टर्म्स में यूज करना चाहें तो हम क्या करेंगे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी का कुछ भला हो जिससे कुछ अच्छा हो पाए सोसाइटी में राइट अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी दिस इज मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हु इज ग्रिफिन ये एक साइंटिस्ट है और ये जो है बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा यू you नो know, हो जिससे मैं कुछ ऐसा बना पाऊं जिसे पी कर या खा कर यू you नो know, मैं इनविजिबल हो जाऊँ क्लियर अब ये एक साइंटिस्ट है और किसी भी साइंटिस्ट से हम यही यू नो उम्मीद करते हैं वी जस्ट फ़ील दैट और वी एक्सेप्ट फ्राम अ साइंटिस्ट दैट जो भी वो डिस्कवरी करेंगे वो डिस्कवरी होगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड राइट यानी कि अभी तक जितनी भी अच्छी यू नो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारे वर्ल्ड में जो भी यू नो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है इतने डिफरेंट डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट्स बताए हैं इतने डिफरेंट वाइडर टर्म्स बताए हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यू नो अच्छी हो गई है तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं बेटरमेंट्स हैं वो सब क्यों हुए हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से राइट सेम वे यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे वो इनविजिबल हो जाए तो हम यू नो एज अ रीडर या एज यू नो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी हम भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रिफिन की जो ये डिस्कवरी है कि इनविजिबल होना वो कहीं ना कहीं यू नो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज की जा सकती है और ग्रिफिन जो है फेम और रिस्पेक्ट दोनों गेन कर सकते हैं इफ ही यू नो यूजेस दिस डिस्कवरी इन द पाथ और इन द वे व्हिच लीड्स टू समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी और गुड फॉर द यू नो कंट्री गुड फॉर द वर्ल्ड बट होता क्या है ना ग्रिफिन जो है ना वो एक साइंटिस्ट तो है ही इज़ अ वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट वेरी क्लेवर साइंटिस्ट एंड दैट्स वाई वो इतनी डिफिकल्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो कर पाते हैं वो क्या करते हैं बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कर रहे हैं बट एक दिन यू नो एक रेयर सा ड्रग होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं स्वैलो कर लेते हैं और वो इनविजिबल हो जाते हैं यानी वो सक्सेसफुल हैं अपने एक्सपेरिमेंट में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को वो यू नो यूज़ करेंगे लोगों को बताएंगे सबको पता चलेगा अब इसका कुछ सही यूज हो पाएगा और इनको फेम और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगी बट ये जो एक्सपेरिमेंट है यहां पर ग्रिफिन जो है वो खुद के नीड्स खुद के सेल्फिश डिजायर्स लोगों को हार्म करने के लिए यूज करते हैं एंड दैट्स व्हाई ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट इज गुड ही इज अ स्मार्ट साइंटिस्ट बट ही इज़ नॉट एन आइडियल साइंटिस्ट ही इज़ नॉट अ आइडियल ह्यूमन बीइंग क्यों क्योंकि एक आइडियल साइंटिस्ट या एक आइडियल ह्यूमन बीइंग कौन होगा जो कि हर एक चीज यू नो सोसाइटी के बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए करेगा काइंड होगा किसी को हार्म नहीं करेगा बट ग्रिफिन टोटली ऑपोजिटे टू दिस क्लियर वो मेन कैरेक्टर है तो उनको एक्ट करना चाहिए एज एज अ प्रोटैगनिस्ट बट समवेयर इज एक्टिंग इन द स्टोरी सब कुछ यू you नो know, ऐसा जा रहा है कि ही इज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्टोरी तो एक दिन क्या होता है ये इनविजिबल हो जाते हैं एंड दो बच्चे हैं वो क्या देखते हैं कि स्टेयर्स पे यू you नो know, कुछ फुटप्रिंट्स बन रहे हैं कुछ मडी से मिट्टी के यू नो फुटप्रिंट्स बन रहे हैं और कोई है नहीं अब वो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली शॉक्ट हो जाते हैं आप भी शॉक्ट हो जाओगे ऐसा कुछ सीन देखकर तो उनको क्या लगता है पता नहीं कैसे हो रहा है सडनली उन्होंने हवा में एक फुटप्रिंट आता है एंड धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स जो है फेंट होते जा रहे हैं यू नो बोल सकते हैं डिसअपियर होते जा रहे हैं क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो ये बच्चे जो है फॉलो करते हैं जब तक उनको ये फुटप्रिंट्स दिखते हैं अब एक्चुअली ये फुटप्रिंट्स के पीछे की मिस्ट्री क्या है कि भाई वो कौन होते हैं ग्रिफिन होते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को इनविजिबल कर लिया है एंड दैट्स व उनको कोई देख नहीं पाता

उससे नुकसान हुआ किसी का राइट यानी इतना शॉर्ट टेम्पर्ड इतना यू नो एंगर था उनके अंदर इतना शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर था किसका ग्रिफिन का साइंटिस्ट कौन होता है जो बहुत पेशेंट होते हैं बहुत टाइम लग जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने में वो पेशेंस वो कामनेस जो है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ऑफ साइंटिस्ट बट ये जो है बहुत ही इल टेम्पर्ड बहुत यू नो गुस्से वाले आदमी थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया उनके लैंड लॉड के घर को ही आग लगा दी और वहाँ से बचने के लिए ताकि किसी को पता ना चले उन्होंने अपने क्लोथ्स वगैरह सब रिमूव कर दिए ताकि उनकी बॉडी किसी को ना दिखे And he was Now, इनके पास ना पैसे हैं ना घर हैं ना क्लोथ्स हैं और लंडन की इतनी ठंड में वो बाहर घूम रहे हैं तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होती बेर सच वेदर। तो वो जो है सर्च करते जाके रह सके डेफिनेटली वो एक इनविजिबल माना तो कहीं पर भी जाके रह सकते हैं नोबड़ी वुड बी एबल टू तो सी हिम अब ये एक लंडन स्टोर ढूंढते हैं और वहां पर ये जाके एंटर हो जाते हैं स्टोर बंद होने के पहले ही गोसडे अब वहां पर वो यू नो को कपड़े वपड़े ढूंढने की कोशिश करते हैं बॉक्स के यू you नो know, रैपर्स वगैरह जो भी है उसको ओपन करते हैं ओवर कोट शूज़ हैट वगैरह निकालते हैं सो so दैट वो उसको पहन सकें और उनको थोड़ी वॉम्थ मिले और फिर वो खाना ढूंढते हैं इन द किचन और फिर कोल्ड मीट और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं कोल्ड मीट खाते हैं देन वाइन वगैरह पीते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं करने के बाद अब वो पाइल ऑफ यू नो ब्लैंकेट्स वगैरह पे क्विल्ड्स पे सो जाते हैं अब उनको नेक्स्ट डे ऑब्वियसली राइट टाइम पे उठना चाहिए बट वो नहीं उठ पाते अब क्योंकि उन्होंने हैट पहना है ओवर कोट पहना है शूज़ पहना है तो कुछ तो दिख ही रहा है राइट वो कपड़े दिख रहे हैं कि मैन है राइट right? तो लोगों को जो भी असिस्टेंट्स होते हैं स्टोर के जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो देख लेते हैं कि कोई इनके स्टोर में एंटर हो चुका है तो वो इनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जैसे ही ग्रिफिन देख लेते हैं असिस्टेंट्स को तो वो भागने की कोशिश करते हैं तो इनके पीछे पड़ जाते हैं असिस्टेंट्स उनको चेस करते हैं बट ये जो है बहुत बोल सकते हैं अपने अपने कपड़े हैट शूज वगैरह रिमूव कर लेते हैं तो अब वो फिर से इनविजिबल हो जाते हैं तो बच जाते हैं क्लियर और सबको हिट विट करके चले जाते हैं असिस्टेंट्स को मतलब फिर से वो कुछ गलत करते हैं नेक्स्ट टाइम वो ऑब्वियसली फिर से यू you नो know, सोचते हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं कुछ ऐसा पहनूँ यू नो कपड़ों के अलावा भी कि मैं एक ऑफ फेस दिख जाए मैं नॉर्मल लगूँ हेडलेस मैन नहीं लगू बिल्कुल राइट तो वो क्या करते हैं इस बार एक थिएट्रिकल कंपनी को ढूंढते हैं क्योंकि थिएटर्स की जो थिएट्रिकल कंपनी होती हैं वहाँ पर सब कुछ होता है राइट मुस्टैचेज होती हैं नोज होते हैं फेक यू you नो know, फेशियल चीज़ें होती हैं तो वो वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पर वो कपड़े वगैरह तो ले ढूंढते ही हैं उसके अलावा फेक नोज यू you नो know, ब्रिस्कर्स और हैट ये सब चीज़ें भी बिल्कुल डार्क ग्लासेज ये सब चीज़ें भी उनको मिल जाती हैं और वो सब पहन लेते हैं एंड नाउ फिर अगेन वो कॉट जाते हैं उन्होंने वहां के शॉपकीपर से बट वो क्या करते हैं शॉपकीपर को मारते हैं और वहां से जितना भी पैसा है वो चुरा कर ले जाते हैं यानी वो हर जगह जो है अपनी इस डिस्कवरी का गलत यूज कर रहे हैं अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता जैसे हमें लगे कि वाओ कितना अच्छा यूज किया अपने डिस्कवरी का राइट नेक्स्ट जो है मिनको लगता है कि यार लंदन बहुत क्राउडेड प्लेस है कहीं ना कहीं से उन्होंने पता चली जाएगा लोगों को मैं पकड़ा जाऊंगा और यू नो मैं अपनी डिस्कवरी का यूज नहीं कर पाऊंगा इतने प्रॉपरली तो वो क्या करते हैं वो एक विलेज जाने की यू नो सोचते हैं और वो इक, इ, इपिंग नाम के विलेज में इन बुक करते हैं इन मीन्स एक सॉर्ट ऑफ अ गेस्ट हाउस होता है जहां पे आपको अकोमोडेशन मिल जाता है और इस वक्त विंटर्स के टाइम पे कोई भी वहां पर स्टे करने नहीं जाता बट ये जो है वहां पे टू रूम्स बुक करते हैं एंड ही लीव्स फॉर दैट प्लेस अब जैसे ही विलेज ऑफ इपिंग जो है वहाँ के लोगों को या फिर वहाँ की जो ओनर है मिसेस हॉल वो जैसे ही देखती है एक तो ये बहुत स्ट्रेंज दिखने में है सब कुछ जो ना नकली सिनोज लगी हो ऐसे टाइप के कपड़े पहने हो तो आप स्ट्रेंज दिखोगे तो एक स्ट्रेंज सा अपियरेंस उसके बाद जैसे ही यू नो कोई इस विंटर सीजन में यू नो कोई भी वहाँ पर आता नहीं है तो इस सीजन में जब वो देखते हैं कि यू नो ग्रिफिन वहाँ पर आए हैं तो वो थोड़ा अजीब फील करती हैं कि समथिंग इज़ पिक्यूलियर और स्ट्रेंज बाउड बट जैसे ही वो पूछती हैं इनसे तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे जो है सॉलीट्यूड यानी मुझे थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करना है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ एंड ऑल्सो क्योंकि वो एडवांस में पैसे दे देते हैं उन्हें चुराए होते हैं पैसे राइट तो वो एडवांस में पैसे दे देते हैं तो दिस लेडी इज लाइक कन्विंस ठीक है भाई पैसे भी मिल रहे हैं तो उनको रहने दो इसके बाद क्या होता है यू नो वो पैसे कब तक चलते हैं वो पैसे खत्म हो जाते हैं कि नहीं खत्म होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं ग्रिफिन क्या ग्रिफिन पकड़े जाते हैं ही इज एन इनविजिबल पर्सन या फिर वो कुछ फिर से गलत करते हैं जिसकी वजह से यू नो पुलिस तक बात चली जाती है ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे इन द स्टोरी तो अभी तक हमको आउटलाइन समझ आ गई है कि पूरी स्टोरी रिवॉल्व करिए एक साइंटिस्ट के अराउंड जो कि है ग्रिफिन जो कि इनविजिबल होने का उनको तरीका मिल गया है बट कहीं ना कहीं वो अपनी डिस्कवरीज का राइट यूज नहीं कर रहे हैं क्या तो वी आर नाउ अवेयर अबाउट यू नो अ प्रॉपर आउटलाइन ऑफ द स्टोरी नाउ लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर हुए जी वेल्स एंड देन वील रीड कि हमसे क्या क्वेश्चन किया गया इन द बिगनिंग सो दैट वी कैन गेट एन ओवरऑल आउटलाइन एंड देन वील बिगन विद द स्टोरी क्लियर ऑल सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज एच जीवल्स सो हर्बर्ट जॉर्ज जो है इनका complete नाम है, बहुत जाने माने राइटर हैं ये है, ब्रिटिश राइटर हैं और ये जो है अपनी नॉवेल्स हिस्ट्री या साइंस फिक्शन सबके लिए बड़े फेमस हैं और इन्हीं की एक बुक है एक नॉवेल है जो कि है द इनविजिबल मैन और उसी का पार्ट है हमारी स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लियर The story is about a scientist named Griffin. He had been discovering ways which could make a man invisible. तो हमें भी पता है अभी तक पूरी story revolve कर रही है central या main character of the story Griffin पर जो कि एक scientist है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे ways ढूंढ पाए जिससे you know कोई invisible हो सकता है clear? All right. Now before we begin the chapter, we have been asked something. Can a man become इनविजिबल तो क्या कोई इनविजिबल हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है युनो? तो जैसे हमें पता है किसी भी जैसे ग्लास की बात करें या शीट ऑफ ग्लास की बात करें तो साइंटिफिक फिनोमिन होते हैं कि लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होके आती है एंड तो वैसा कुछ साइंटिफिक फिनोमिना अगर हम बॉडी के टर्म्स में अगर यू you नो know, कोशिश करें ढूंढने की तो मे बी यू नो वी डोंट नो वेदर ये ऐसा कुछ हो भी सकता है कि यू नो इनविजिबल आप हो जाओ तो डेफिनेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड तो वी कान से डायरेक्टली कि नहीं नहीं कोई इन्विजिबल नहीं हो सकता वी नेवर नो कि ऐसा कुछ हो भी जाए यू नो इन द फ्यूचर तो ये जो क्वेश्चन है कैन अ मैन बिकम इन्विजिबल इज समथिंग फिफ्टी फिफ्टी राइट नो एट प्रेजेंट कंडीशन कि हाँ लगता है ऐसा हो भी सकता है और लगता है नहीं भी हो सकता है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हुस हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल और ये पूरी स्टोरी जो है एक साइंटिस्ट की है द वन हु इज़ ट्राइंग टू यू नो फाइंड आउट एन एक्सपेरिमेंट वन हु इज ट्राइंग टू यू नो डू समथिंग जिससे वो इनविजिबल हो जाए डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन द स्टोरी कि क्या ये अपनी इस डिस्कवरी को जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरी है राइट right? कोई इनविजिबल हो जाए मैन ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है तो इस बड़ी डिस्कवरी को वो यू नो एज एन बोल सकते हैं एक यूज़ की तरह या मिस यूज की तरह यू नो यूज करते हैं यानी कि दिस डिस्कवरी वुड वुड बी एन एडवांटेज फॉर एनी बडी इन द सोसाइटी और वुड इट बी जस्ट एन एडवांटेज फॉर ग्रिफिन एंड ए डिसडवाटेज फॉर अदर्स क्लियर तो हमसे यही क्वेश्चन किया गया है कि हम जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं ये स्टोरी ग्रिफिन द साइंटिस्ट के बारे में तो वो जो है इस डिस्कवरी को सही वे में यूज करेंगे या नहीं दैट इज इज द क्वेश्चन लेफ्ट ऑन आस्ट तो हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे एंड लेट्स एंड हमें क्या भाई एक भी ऐसी चीज मिलती है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये ग्रिफिन डिड यूज हिज डिस्कवरी

उसके यू नो इम्परिट्स उनको दिखते हैं और वो सरप्राइज क्यों है इन को देख कर वॉट वॉज द बेर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन यानी लंडन जैसी जगह पे और बिल्कुल किसी के घर में यू you नो know, कौन बेर फुटेड मैन होगा जो कि स्टेयर पे यू you नो know, उसके मडी इम्परिंट्स दिख रहे हैं यानी ऐसा कौन है जो घर में एक तो बिना शूज या बिना स्लिपर्स के यू नो एंटर कर रहा है बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द लंडन तो ये सारी चीजें सोचकर यू you नो know, वो बच्चे बड़े शॉक में हो जाते शॉक हो जाते हैं

तो वो जो है जैसे ही यू नो ध्यान से देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज में लगातार देखे जा रहे हैं वो किसको इन प्रिंट्स को तो एक रिमार्केबल रिमार्केबल मीन स्ट्रेंज एक बहुत ही पिक्यूलियर साकर्ड फ्रॉम नोवेयर एकदम से एक फ्रेश फुटमार्क जो है कहीं से भी आ गया यानी देयर वाज नोबडी इमेजिन करो कोई भी नहीं दिख रहा आपको और सीधे एक इंप्रिंट दिख रहा है सेम चीज इन बच्चों को दिखती है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाते हैं सरप्राइज हो जाते हैं शॉकड हो जाते हैं Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing. डाउन द स्ट्रीट और फिर क्या हो रहा है धीरे धीरे इम्प्रिट्स बढ़ते जा रहे हैं यानी सम्बडीज हो वॉकिंग कंटिन्यूसली तो धीरे धीरे इमप्रिंट्स जो है मडी इम्प्रिट्स वो उनको दिखते जाते हैं एंड दीज इम्प्रिट्स डिसेंडिंग द स्टेप्स यानी कोई उतर रहा है सीढ़ियों से ऐसे इनको दिखते हैं इम्प्रिट्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट प्रोग्रेसिंग मीन्स मूव फॉरवर्ड और ऑनवर्ड इन स्पेस और टाइम और वो जो है धीरे धीरे स्ट्रीट की तरफ सड़क की तरफ जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो ऐसे इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं कि इनको इन बच्चों को जो कि उन्होंने धीरे धीरे स्टेयर से स्ट्रीट की तरफ आप जाए रहे हैं एंड देर आर ओनली प्रिंट्स ओनली इंप्रेशन देर इज नो मैन दैट बॉयज कैन सी क्लियर ऑल राइट द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंडर द माडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसदर तो ये जो बच्चे हैं ना देॉलोड फैसिनेटेड फैसिनेटेड मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट देर इज नो बडी और सडनली आपको प्रिंट दिखते हैं तो so, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग यू नो बहुत ही बोल सकते हो अमेजिंग सी चीज थी इन बच्चों के लिए एंड दैट्स वाई देवर फॉलोइंग दीज इम्परेंस

एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनअ अब हमें भी यू you नो know, अगर पता नहीं होता है इन इंट्रोडक्शन की हम ग्रिफिन की बात कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये मिस्ट्री लगेगी हमको राइट right? एक सस्पेंस लगेगा कि एक्चुअली में है क्या कहाँ से ये इंप्रेंस आ रहा है तो बहुत सिंपल सा इसका रीजन है वो रीजन क्या है the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent kyunki abhi ye jo boys bewildered ka matlab kya hota hai perplexed and confused or very puzzled in short bahut confused ho gaye wo ki exactly ye imprints kahan se aaye तो ये जो कंफ्यूज से बच्चे हैं वो किसको फॉलो कर रहे थे वो एक साइंटिस्ट के इम्प्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी उन्होंने ऐसा experiment करके कुछ ऐसा पता लगाया है जिससे body transparent हो जाएगी human body की यानी invisible. हो सकती है ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल और जो ग्रिफिन है द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ही इज़ अ साइंटिस्ट तो वो जो है एक के बाद एक के बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as a sheet of glass. And finally, क्या होता है? वो कुछ rare से drugs, यानी drugs means a medicine, यानी कुछ unusual, uncommon सी medicine जो है वो swallow कर लेते हैं, and then उनकी body जो है वो invisible हो जाती है, transparent हो जाती है, कैसे? Just as a sheet of glass. यानी कांच की उनो sheet है, तो कैसे होती है? आपको आर पार दिखता है, that is what transparent means, right? तो वैसी ही उनकी body भी हो गई थी. दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास और ऑब्वियसली जैसे कि ग्लास सॉलिड होता है ना बिल्कुल मजबूत होता है वैसी ही बॉडी है उनकी यानी कि ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी जैसी है हमारी सॉलिड बॉडी वैसे तो है बट उनकी कोई बॉडी में कोई दिख नहीं रहा है बिकॉज दैट मैन हैज बिकम इन्विजिबल तो ट्रांसपेरेंट भी है बट सॉलिड भी है एज अ ग्लास और यही मैन जो है वो वॉक कर रहे थे एंड दैट्स वाई दीज इम्प्रिंस वर कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिसमिस्ट्री क्लियर ऑल राइट Brilliant scientist though he was, Griffin was a rather a lawless.

प्लेस यानी किसी को बाहर निकाल देना जबरदस्ती तो वो जो है उनको बाहर निकालना चाहते थे घर से इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए तो वो जो है रिवेंज लेने के लिए बदला लेने के लिए क्या करते हैं उनके घर को आग ही लगा देते हैं क्लियर तो इससे हमको पता चलता है कि कितने गुस्से वाले और कितने ज्यादा लॉलेस पर्सन है क्योंकि उन्होंने क्या किया इतनी छोटी सी बात की वो उनको घर से निकालना चाहते हैं तो वो डिस्कस कर सकते थे या फिर वो दूसरा घर ढूंढ सकते थे बट उन्होंने क्या किया उन्होंने लैंड के घर को ही आग लगा दी टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज अब क्योंकि you know, you know, तो दिखूं तो, तो कैसे जाएंगे क्योंकि वो है, तो अगर है, उनकी बॉडी इन्विजिबल है तो वो क्या करते हैं अपने रिमूव कर देते हैं ताकि उनको कोई देख ना पाए। Thus, it was that he a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite Invisible. और यही रीजन था जिसकी वजह you know, है? है, मतलब से उदर, तो यह मतलब मतलब, होमलेस तो हो गए थे क्योंकि, क्योंकि इनके पास नहीं था भाई, को तो आगे लगा दी राइट तो घर भी नहीं है उनके पास दूसरी बात कपड़े भी नहीं है बिकॉज अगर वो क्लोथ पहन लेंगे तो लोग उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे three, उनके पास पैसे भी नहीं थे एंड क्वाइट इनविजिबलो इनविजिबल जब तक मट you know, पर पे अपने नहीं रखते और नहीं दिखने लग जाते तो so, जैसे ही यू नो उनके पैर जो है वो मट पे जाते हैं या मिट्टी में जाते हैं तो इमप्रिंट बन जाता है फुटप्रिंट बन जाता है दैट टाइम ऑब्वियसली पीपल वु थिंक राइट कि कोई तो है तो दी वॉज क्वाइट इनविजिबल ऐसा कहा गया तो दिस वॉज दंडीशन यानी फर्स्ट ही हम अगर देख लें यहाँ पर कि जैसे ही वो इनविजिबल हुए उसका उन्होंने गलत यूज किया उन्होंने क्या किया उन्होंने घर को आग लगा दी बट उसका रिजल्ट क्या हुआ अब उनके पास खुद ना तो कपड़े हैं ना, है, ना मनी है right. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो लंडन में यू नो जब वो जो जिन्होंने उनके फुटप्रिंट देखे थे उनसे तो वो बहुत ईजिली आसानी से छूट मतलब भाग गए थे या फिर बोल सकते हैं स्केप कर पाए थे बट हिज एडवेंचर्स बाय नो मीन्स ओवर बट उनके जो एडवेंचर्स हैं एडवेंचर मतलब क्या होता है बहुत थ्रिलिंग्स एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट जो हर किसी के साथ नॉर्मली नहीं होते तो वो एडवेंचर्स जो है अभी खत्म नहीं हुए थे अभी सिर्फ एक ही चीज़ हुई थी ही बैड टाइम ऑफ द ईयर टू wander अबाउट London विदाउट clothes। अब लंदन में ना जो विंटर्स होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा चिली वेदर होता है तो अब इस वक्त जो है उन्होंने चूज किया था कि वो लंडन में विदाउट क्लोथ घूमने वाले हैं तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया है गलत टाइम चूज किया है यस चोज इन द रॉन्ग टाइम टू एंडर ऑल अराउंड इन लंडन बिकॉज इट्स टू चिली राइट नाउ इट वॉज मिड विंटर द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ और वो इतनी ठंड थी द एय वॉज बिटर्ली कोल्ड मतलब बिटर्ली मीन्स एक्सेसिव बहुत ज्यादा ठंड थी तो इतनी ज्यादा ठंड में यू you नो know, वो विदाउट क्लोथ बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे क्लोथ्स के साथ भी वो ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो ही वॉज तो कम्प्लीटली नेकेड ही वॉज नॉट हैविंग एनी क्लोथ तो डेफिनेटली वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो रहा था एंड ही वॉज नॉट एबल टू बे दैट थिंग

Closing time arrived and as soon as the doors were shut Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense ab kya likha hai yahan par ki closing time arrived yani wo store jo hai wo bandi hone wali thi aur before you know wo store band ho jaye wo jo hai usme enter हो गए थे and he was able to give himself the pleasure और वो अपने आप को वो खुशी दे पाए थे वो joy दे पाए थे किस चीज़ की of clothing and feeding Himself. और वो अब कोई भी वहाँ से ड्रेस उठा के पहन सकते थे खुद के लिए कुछ भी खा सकते थे वहाँ से उठाकर विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस एक्सपेंस मीन्स स्पेंडिंग ऑफ मनी यानी विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी वो आराम से अब यू नो कपड़े भी पहन सकते थे अपने हिसाब से उनको एक जगह भी मिल गई थी और वो खाना भी खा सकते थे जितना वो चाहें तो वो इस चीज़ से बड़े खुश थे ही ब्रोक ओपन बॉक्सिस एंड रैपर्स एंड फिडर हिमसेल्फ आउट विथ वॉर्म क्लोज उन्होंने क्या किया बॉक्सेस को लिया रैपर्स वगैरह खोले यानी जो भी उनमें सील वगैरह थी वो सब कुछ खोली और फिर उनमें से जो कपड़े हैं वो निकाल के पहन लिए

एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्राम द ग्रोसरी स्टोर और उसके बाद वो यू नो वाइन भी पीते हैं उसके बाद वो स्वीट्स भी खाते हैं मीठा भी खाते हैं फ्राम वन ऑफ द ग्रोसरी स्टोर फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल्स और फिर वो कंबल वगैरह ले लेते हैं ब्लैंकट्स वगैरह ले लेते हैं और उनपे सो जाते हैं बिकॉज ही नीड्स वॉम एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू स्लीप राइट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग तो वो वहाँ पर सो जाते हैं क्लियर ऑल राइट If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर वो सोने के बाद right time पर उठ जाते अब right now he is fully dressed, तो he is visible, right? तो वो ये चीज़ जो है दिमाग में रखकर अगर सोते कि मुझे right time पर उठना है कल morning में तो फिर सब चीज़ें ठीक होती But होता क्या है As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. जब तक वहाँ के जो assistants थे जो store का ध्यान व्यान रखते हैं वो जब तक आने वाले थे उसके पहले ग्रिफिन उठे ही नहीं जो कि उनको करना चाहिए था बट वो उठे ही नहीं तो इसके बाद क्या हुआ वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक एंड बिगैन टू रन जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ असिस्टेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं तो वो पैनिक हो गए पैनिक मीन्स बी अफ्रेड डर गए वो और इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया वो भागने लगे दे नेचुरली गेव चेज अब वहां पे जो भी असिस्टेंट्स थे वो नेचुरल सी बात है वो उनको फॉलो करने लगे चेज मीन्स

को, नो, चाहिए, क्योंकि वहां मुझे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि मुझे और भी चीजें मिल जाएंगी जिससे कुछ ऐसा पहन पाऊंगा या फिर दिख पाऊंगा नॉर्मल इंसान की तरह क्या थिएट्रिकल का मतलब क्या होता है रिलेटिंग टू एक्टिंग एक्टर्स और थिएटर जहाँ पे नो हम जो नाट्य कंपनी बोलते हैं यानी जहां पे आपको सारे कॉस्ट्यूम्स प्रॉप्स वगैरह मिलते हैं फेक यू नो फेशियल थिंग्स मिलती हैं जिससे आप यू नो एज किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को मॉडिफाई कर पाते हो तो सेम जो है उनका दिमाग तो भैया है तो वो साइंटिस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट है तो वो इस चीज को सोचते हैं

तो बिग you know, बुशी साइड विस्कर्स वियर्ड बिल्कुल साइड मेंियर्ड होते हैं घाटे जैसे आप बोलते हो यानी कि बहुत ज्यादा है उसमें क्यों क्योंकि ताकि वो ना दिखे की भाई बैंडेज ऐसे फेस तो है ही नहीं एंड लार्ज हैट पहनेंगे ताकि उनको किसी को यू you नो know, वो प्रॉपर लगे वो हैट पहनेंगे तो सॉट sort ऑफ of एक फेस इस तरीके से दिखेगा जैसे नॉर्मल कुछ अजीब स्ट्रेंज नहीं दिखेगा

इपिंग अब क्योंकि लंदन बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो कभी ना कभी ऐसा होता रहता है कि लोग उनको समझ जाते हैं you know? और इस तरीके के रिपीट होते तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं किसी विलेज रिमोट विलेज में चला जाता हूँ क्योंकि वहां ज्यादा क्राउड नहीं होता एंड ही चूजेज टू गो टू विलेज ऑफ इपिंग

लोगों के लिए अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपियरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग और ये जो स्ट्रेंजर थे एक तो दूसरी बात ही इस मौसम में आए थे वहां पर एंड द थर्ड थिंग जिस तरीके का उनका अपियरेंस था वो बहुत स्ट्रेंज और अजीब था और इसकी वजह से इट सेट ऑल टंग्स वैगिंग यानी कि हर कोई जो है आपस में बातचीत करने लगा हर कोई अपने आपस में गॉसिप करने लगा कि ये कौन सा इंसान है या ये कौन है जो यहाँ पर इस वक्त रहने आया है क्लियर ऑल राइट Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be फ्रेंडली तो अब इस लोकल इन में जो यू you नो know, ओनर थे जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम है डिजायर फॉर सॉलिट्यूड तो वो जो है ग्रिफिन जो है वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते और वो वो डायरेक्टली बोल देते हैं वो बिल्कुल भी उनमें ऐसा नहीं दिखता कि उनको इंटरेस्ट है बात करने का बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड से लगते हैं और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि मेरा आने का है solitude. Solitude सिर्फ अपने आप से बात करूं या फिर मैं अकेले रहू थोड़ा यू you नो know, कहते हैं कि थोड़ा बहुत सिचुएशन को समझू सॉर्ट sort ऑफ of. तो वो ऐसा रीजन दे देते हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहां पर रुकने के लिए आया हूं क्लियर ऑल राइट I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कोई भी नहीं आएगा मुझसे बात करने या मुझसे मिलने And also वो इस यू नो अजीब से स्ट्रेन से अपियरेंस का भी रीजन दे देते हैं कि किसी एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था एंड दैट्स वाई एम वेयरिंग दीजेजेस एंड आई है

बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश और वो जो उन्होंने शॉपकीपर से यू नो पैसे चुराए थे उसको मारकर वो पैसे ज़्यादा टाइम तक बचे नहीं खर्च हो गए तो अब उनको एडमिट करना पड़ा मिसेज हॉल से कि मेरे पास अभी यू नो रेडी कैश नहीं है देने के लिए ऑल राइट right. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. But उन्होंने इस तरीके से pretend किया, fake किया कि वो जो है एक check जो है किसी भी moment पे expect कर रहे हैं। यानी कि cash तो नहीं है, but somebody is sending me the cash through a check. Shortly afterwards, a curious episode occurred. और थोड़े time बाद ही एक बहुत ही curious सा, एक बहुत ही unusual और strange सा episode या scene होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हेज वाइफ वर अवेकंडी बहुत यू नो अर्ली मॉर्निंग है बहुत जल्दी सुबह के टाइम की बात है एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ क्लर्जी मैन क्या होते हैं प्रीस्ट या रिलीजियस मैन होते हैं उनकी बात हो रही है तो क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ जो है उनका घर है और वो लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं उठ जाते हैं उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है उनकी स्टडी रूम से क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैं डेस्क वो जो है क्रीपिंग डाउन स्टेयर यानी धीरे धीरे जब वो नीचे जाते हैं तो उनको क्या सुनाई देता है चिंक ऑफ मनी चिंक मीन्स साउंड ऑफ कॉइंस यानी पैसों की चिल्लर की जो आवाज होती है कॉइंस की जो साउंड होता है उसे कहा है चिंक ऑफ मनी तो उनको वो साउंड सुनाई देता है जो कि उन्होंने क्लर्जी मैन के डेस्क से कोई निकाल रहा है क्योंकि उनको पता है उस डेस्क में पैसे हैं राइट तो उनको आवाज सुनाई दे जाती है कि कोई तो उनके डेस्क से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है ऑल राइट right. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विदकर ग्रेस्ट फर्मली इन इज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइस वो बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो एक पोकर हाथ में लेते हैं पोकर क्या होता है Poker is a metal rod with a handle used for prodding and stirring an open, so, open fire. तो जो फायर नहीं होती ओपन फायर तो उसमें बार-बार यू नो कोल वगैरह को टर्न करने के लिए एक रॉड यूज करते हैं उसे कहते हैं poker. Sort of वो ऐसी दिखती है. तो उन्होंने इस poker को जो है हाथ में बिल्कुल grasp यानी कि seize and hold firmly बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था और without making any noise जो है वो जाते हैं और वो डोर को खोलते हैं. Surrender Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. यानी yani, वो रोड से ऐसे गेट खोलते हैं और उनको क्या लगता है कोई तो है तो वो बोलते हैं सरेंडर यानी कि जस्ट नाउ you are caught. But जैसे ही वो देखते हैं he surprised he is amazed to see कि वहाँ कोई नहीं होता room क्या होता है खाली होता है All right. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो वो जो है अपने यू you नो know, डेस्क के नीचे देखते हैं वो और उनकी वाइफ जो है डेस्क के नीचे चेक करते हैं कर्टन्स के पीछे चेक करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं यू you नो know, कि कहीं पर तो कोई होगा चिमनी के इधर देखते हैं बट उनको कोई भी वहाँ पर दिखता नहीं है There wasn't a sign of ऑफ एनी बॉडी थोड़ा सा भी ऐसा साइन नहीं दिखता कुछ भी नहीं दिखता जिसे ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई भी था येट द डेस्क ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज But desk जो है वो खुला हुआ था और उसमें जो हाउस कीपिंग बनी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी सब कुछ कोई लेकर चला गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परायब थे तो वो बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अलग बिल्कुल क्या है अफेयर या मैटर है यानी ऐसी कभी भी कोई चीज उन्होंने नहीं देखी थी तो उनके लिए बहुत ही अनयूजल जो है चीज हुई थी हमें पता है ये ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि भाई जो इनविजिबल मैन है जो ग्रिफिन है वही गए होंगे पैसे चुराने बिकॉज ही हैज़ बीन ऑब्वियसली मिस यूजिंग यू नो हिज डिस्कवरी क्लियर ऑल राइट

The opportunity seemed too good to be. और क्योंकि यू नो किसी का डोर हमेशा के लिए बंद रख रहे हैं एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा सा लगता है कि क्या है ऐसा अंदर जो नहीं आने देते? तो डोर ओपन था तो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि उनको कि यार, हमको इसको मिस करना बल्कि हमें एंटर करके देखना चाहिए रूम के अंदर क्या है door, saw no, saw और वो जो है धीरे धीरे देख रहे थे पीप्ड मीन लुक क्विकली एंडली एट सम कोई भी नहीं है तो उन्हें किया, चलो भाई, करते हैं, पता लगाते हैं कि ऐसा क्या है जो वो रूम में एंटर होने नहीं देते हैं ऑल राइट right. cold, showing that the कोल्ड must have been up फॉर सम टाइम बेड क्लोथ यानी कि जो भी बेड शीट्स हैं जो भी यू नो मैट्रसेस हैं एवरी थिंग वॉज कोल्ड यानी कि उस पे अभी कोई भी नहीं सोया हुआ था तो इट मीन्स ग्रिफिन जो है वो थोड़े टाइम पहले उठ गए होंगे एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर व लाइंग अबाउट द रूम तो जो वो हमेशा ना बैंडेजेस पहने हुए होते थे वो जो हमेशा चीजें पहने हुए होते थे वो हर जगह बिखरी हुई थी वो पूरे रूम में उनको दिख रही थी all of a sudden mrs hall heard a sniff close to her ear a moment later the hat on the bed post leapt up and aur uske baad kya hua ekdam se mrs hall ne ek sniff suna sniff means drop air audibly through the nose to detect a smell to stop it running sort of you know jo जब हम ब्रीथ करते हैं बिल्कुल शांति हो कोई भी नहीं है और आसपास आपको एकदम से breathing की you know sound सुनाई दे That is what sniffing means. तो उनको एकदम से ऐसा sound सुनाई देता है अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट लेपटॉप और क्या हुआ कुछ ही मोमेंट के बाद बेड पोस्ट यानी कि लेग और स्टैंड ऑफ बेड जो बेड के साइड में जो पैर होते हैं जिन्हें हम लेग्स कहते हैं बेड वहां पर जो है एकदम से ऊपर उठ के वो हैट आई एंड वॉट है वो जो है एकदम से किस पे मिसेस हॉल के मुंह पे जाके लगती है देन द बेडरूम चेयर बिकेम अब एकदम से जो बेडरूम में चेयर थी वो एकदम से हिलने लगती है एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट लेग्स फॉर मोस्ट और फिर क्या हुआ जो चेयर है तो इसके जो लेग्स है यानी कि जो पैर है वो बिल्कुल इस साइड पे थे और ये एकदम से उठती है चेयर और उनके मुंह के तरफ जाके यू नो इट जस्ट स्प्रिंग टू द एयर

उट ऑफ द रूम और इस चेयर ने क्या किया इन दोनों हस्बैंड वाइफ को रूम के बाहर पहुंचा दिया एंड देन अर टू स्लैम और फिर ऐसा लगा जैसे चेयर ने क्या किया हो श

करती थी एंड शी मोन्टलिंग रोने वाला जो साउंड होता है she made that because she was so sad कि वो चेयर जिसपे उनकी मम्मा बैठती थी उसमें यू नो स्पिर एंटर हो गई है टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाव और मुझे यू you नो know, ये चीजें सोच के ऐसा लग रहा है कि वो फिर से मेरे अगेंस्ट यू नो कि मेरे अगेंस्ट वो चेयर उठ के आई है यानी मेरी मम्मा उस पर बैठती थी, थी तो सॉर्ट sort ऑफ़ of उनके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं एंड शी वाज़ आल्सो शॉक्ड कि कैसे वो स्पिरिट्स जो हैं मेरी मम्मा की चेयर पे आके यू नो एंटर हो चुके हैं द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट तो जो वहां के नेबर्स थे उनको जब ये बात पता चली

बट जैसे ही उन्होंने विच क्राफ्ट है कि नहीं वो बात तो अलग हो गई बट जैसे ही पता चला कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई है बर्गलरी यानी कुछ थेफ्ट कुछ चोरी हुई है तो डेफिनेटली ये जो साइंटिस्ट हैं जो ग्रिफिन हैं वो सस्पिशस में सस्पिशन में आ गए कि डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ हाथ है इस चोरी में सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉगर वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नॉट मनी थोड़े टाइम पहले उन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है रेडी कैश नहीं है चेक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट एकदम से जब वो कुछ टाइम बाद यू नो पैसे दे देते हैं कैश दे देते हैं किसको मिसेस हॉल को तो ये जो सस्पेशन है ये जो डाउट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इनका क्योंकि पैसे कैसे आए मतलब इन्हीं ने चोरी की होगी कहाँ पर क्लर्जी मैन के घर में द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंड फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हाउ मिस्टेरियसली अपियड फ्रॉम हिज एम टी बेडरूम तो वो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि यू नो सीक्रेटली हम किसी कॉन्स्टेबल को पुलिस ऑफिसर को बुला लेते हैं ताकि वो यू नो एक्शन ले पाए किसके अगेंस्ट ग्रिफिन के अगेंस्ट बट बिफोर की कॉन्स्टेबल जाके एंटर करके पूछताछ कर पाए मिसिज हॉल अपने आप को रोक नहीं पाती और जैसे ही वो ग्रिफिन को अपने रूम से बाहर आते हुए देखती हैं वो जाकर उनसे पूछताछ करती हैं आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर शी डिमांडेड वो बहुत गुस्से में पूछती है कि मेरी जो चेयर रखी है ऊपर तुम उसके साथ क्या कर रहे थे यानी उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि इन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से उस चेयर में उन्होंने नो एंटर हो गए हैं

फ्यूरियस बहुत जल्दी गुस्सा आता था इनको साइंटिस्ट को ग्रिफिन को और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जवाब दिया यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम ही शाउटेड वेरी वेल आई शो यू वो बोलती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और अभी जो है मैं अच्छे से बताता हूं कि मैं कौन हूँ यानी वो बहुत गुस्से में जाते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं एक इनविजिबल मैन हूँ सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस स्पेक्टिकल्स एंड इवन विस्कर्सलोज इट टिकेम ओनली विदिन अ मिनट उन्होंने जो भी चीजें पहनी थी फ्रॉम थिएट्रिकल कंपनी वो सब रिमूव कर दी ताकि उनको ये दिख पाए कि देखो मैं कौन हूँ भाई एक इनविजिबल सा मैन हूँ The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब इन जो है वो sort of pub होता है जहाँ पे भी मिलती है तो वहाँ के जो लोग हैं जो बार बार में बैठे हुए थे वो बहुत डर गए Horrified means filled with terror, extremely shocked. बहुत ज्यादा shocked हो गए ऐसे headless man को देखकर तो वो इतने ज्यादा यू नो शॉक्ड हो गए थे टेरर में आ गए थे कि उन्होंने कभी ऑब्वियसली ऐसा किसी को देखा नहीं था तो जैसे ही वो हेडलेस मैन को देखते हैं ग्रिफिन को देखते हैं दे आर वेरी अफ्रेट मिस्टर जैफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव एंड वॉज क्वाइट दैट ही हैड टू अरेस्ट मैन विदाउट अड अ मिस्टर जैफर्स जो कि कांस्टेबल हैं वो आ जाते हैं और बहुत हाँ ज्यादा शॉकड हो जाते हैं सरप्राइज हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है राइट तो बहुत ज्यादा सरप्राइज़ है बट ही वाज अ वेरी ट्रू प्रोफेशनल कैसे बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वॉरेंट ऑर्डर्ड अ पर्संस अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज

अरेस्ट करना है किसी को वो भले ही हेडलेस मैन हो मैं तो करूँगा विथ और विदाउट इज हेड ही वॉज दैट टू प्रोफेशनल क्लियर ऑल राइट there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another but एक बहुत ही अलग सा स्ट्रेन सा सीन चल रहा था क्योंकि पुलिस मैन जो है वो ट्राई कर रहे थे कि वो पकड़े किसको एक हेडलेस मैन को बट धीरे धीरे ये कोशिशें बेकार हो रही थी क्यों क्योंकि वो अपने बैंडेजेस क्लोथ जो है वो धीरे धीरे रिमूव कर रहे थे और वो इनविजिबल होते जा रहे थे Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Finally, उन्होंने अपनी shirt भी fake दी और इससे क्या हुआ completely you know invisible हो गए और अब constable या police officer ऐसे किसी को पकड़ रहे थे जो कि क्या है completely इनविजिबल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हेम बट फाउंड हिट बायोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नो वे कुछ लोग कोशिश कर रहे थे इनकी मदद करने की इनको पकड़ पाए इन्विजिबल मैन को पकड़ पाए बट क्या हो रहा था जैसे वो कोशिश कर रहे थे हवा में कहीं ना कहीं से उनको यू नो हिट पड़ रहे थे कोई ना कोई उनको मार रहा था कौन मारा था ग्रिफिन मारे थे यानी अभी भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया अभी भी वो क्या कर रहे हैं अपनी डिस्कवरी का मिस यूज कर रहे हैं लोगों को मार रहे हैं चोरियाँ कर रहे हैं तो ये क्या बताता है यहाँ पर कि अभी तक वो ये नहीं सीखे कि ये डिस्कवरी कहीं ना कहीं उनके लिए भी ट्रेवल मेकिंग साबित हो रही है क्योंकि उन्होंने उसका राइट यूज नहीं किया क्लियर ऑल राइट इन दैफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द साइंटिस्ट देर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ

पकड़े सो विद दिस द स्टोरी एंड्स और फाइनली क्या होता है ग्रिफिन फिर से स्केप कर जाते हैं एंड मे भी ये जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती रहेगी बिकॉज उनको समझ ही नहीं आया कि वो किस तरीके से अपनी इस डिस्कवरी का यू नो प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं बता सकते हैं यू you नो know, लोगों को कि मैं जो हूँ इस डिस्कवरी को डेवलप कर चुका हूँ सॉरी डिस्कवर कर चुका हूँ इस एक्सपेरिमेंट को इस यू नो थ्योरी को कि कैसे इनविजिबल हो सकते हैं और वो फिर फेम और रिस्पेक्ट दोनों गेन कर सकते थे बट वॉट ही डिड वॉज ही मिस यूज एवरी

First, as he is feeling cold, he enters a store for some warmth. After the store shuts down, he decides to wear some warm clothes and eat. Something. तो वो, you know, क्या करते हैं? क्योंकि घर है ना पैसे हैं और वो जो है इतनी ठंड में बाहर घूम रहे थे अब ऑब्वियसली इतनी ठंड उनसे सहन नहीं होती तो वो एक स्टोर ढूंढते हैं और वहां पर वार्म के लिए कपड़े लेते हैं वहां से और वहां पर खाना भी खाते हैं वहीं पे फिर सो जाते हैं ऑल राइट he first unboxes a few clothes and wears them. Then from the kitchen of a restaurant he eats cold meat and some coffee. तो ये हमें ऑलरेडी पता है वो कोल्ड मीट खाते हैं, कॉफी पीते हैं. फिर उसके बाद वो वाइन और स्वीट्स भी एन्जॉय करते हैं. And after that वो वहाँ पर सो जाते हैं. He then falls asleep on a pile of quilts. He fails to wake up on time in the morning when some of the store assistants had seen him and started चेजिंग तो वो टाइम पे उठ नहीं पाते तो वहाँ पे जो असिस्टेंट्स होते हैं वो उनको देख लेते हैं और जैसे ही ग्रिफिन देखते हैं कि भाई असिस्टेंट्स आ गए वो भागने की कोशिश करते हैं एंड असिस्टेंट्स उनको चेज करते हैं फॉलो करते हैं तो दिस वॉज द सेकेंड टाइम जब वो नोटिस हुए थे अगैन और फिर से वो सारे क्लोज उनको उतार फेंकने पड़ते हैं ताकि वो दिखे ना देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगैन विदाउट एनी क्लोज इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लंडन और वही सिचुएशन फिर से रिपीट होती है विदाउट क्लोज वो लंडन के यूनो स्ट्रीट्स uh, में रोम कर रहे हैं He then decides to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well. फिर वो decide करते हैं कि एक theatrical company ढूंढना चाहिए मुझे जहाँ पे मुझे कपड़ों के साथ साथ कुछ props भी मिल जाएंगे जिससे मैं sort of अपना face या फिर जो ये space है खाली वो भी cover कर पाऊँगा. He then steals bandages for his face, dark glasses, false nose and a hat for covering himself. He hits the shopkeeper and steals all his money. और बचने के लिए क्या करते हैं वो shopkeeper को मारते हैं वहाँ से सारे पैसे चुरा चले जाते हैं. सोनी डिसम लंडन एंड गोज और फिर वो डिसाइड करते हैं भाई ये क्राउडेड है बहुत प्लेस, तो मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा एंड ही गोज टू विलेज ऑफ इपिंग ही बुक्स टू रूम एट द इपिंग विलेज

ऐसा फील करते हैं बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि एक तो इस विंटर सीजन में यू you नो know, कोई भी वहां पे ट्रैवल नहीं करता दूसरी बात उनका जो अपीयरेंस था वो भी बहुत ज्यादा पिक्यूलियर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था तो वहां के लोग भी गॉसिप करने लगते हैं भाई ऐसा कौन है ये जो यहाँ पर रहने आया है

हॉल को देन द विलेज कॉन्स्टेबल इज आस्ट फॉर हेल्प बट बिफोर दैट मिसिज हॉल द वाइफ ऑफ द लैंड लॉर्ड क्या होता है फिर ना मिसिज हॉल जो है उनको डाउट होने लगता है कि पहले तो पैसे थे नहीं फिर पैसे दे दिए राइट उसके बाद इसके पहले एक इंसिडेंट होता है जब यू नो चेयर इनके मुंह पे पड़ती है यू you नो know, चेयर खुद ही स्प्रिंग हो रही है एयर में इनके ऊपर जाके गिरती है हैट जो इनके मुंह पे लगती है तो ये सब चीज उनको क्या लगता है कि स्पिरिट्स वगैरह हैं जो ये स्ट्रेंजर ही लेकर आए तो इनको डाउट तो हो जाता है कि चलो ये भी चीज है स्पिरिट्स वाली दूसरी बात ये जो चोरी हुई है डेफिनेटली इसी का हाथ है स्ट्रेंजर का तो वो एक सीक्रेटली कांस्टेबल को बुलाती है बट बिफोर कांस्टेबल कुछ एक्शन ले वो खुद ही चली जाती है गुस्से में और बातचीत करने लगती हैं किससे ग्रिफिन से कि तुम कौन हो तस् स्ट्रेंज क्यों है यू नो तुम्हारा बिहेवियर क्या किया तुमने मेरी चेयर के साथ मेरे फर्नीचर के साथ

वो अपने क्लोथ्स बैंडेजेस सब कुछ रिमूव करने लगते हैं तो लोगों को एक हेडलेस मैन दिखता है राइट पहले वो बैंडेजेस रिमूव करते हैं तो उनको पूरी चीज़ें पहनी हुई हैं बट एक हेड ही नहीं है तो हेडलेस मैन दिखता है लोग बड़े ज़्यादा शॉकड हो जाते हैं और मिस्टर जाफिस जो कॉन्स्टेबल हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल हैं कि वो डिसाइड करते हैं भले ही मैन यू नो हेडलेस हो या विथ हेड हो मुझे तो भैया पकड़ना है अरेस्ट करना है उसको बिकॉज आई हैव बीन गिवन द वॉरेंट फॉर दैट मैन बट धीरे धीरे ग्रिफिन सारे क्लोथ रिमूव कर देते हैं और वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाते हैं इसीलिए जैफर्स इतनी कोशिश करने के बाद भी उनको पकड़ नहीं पाते ही इवन नॉक्स आउट जैफर्स एस ही ट्राइज टू कैच हिम ग्रिफिन इज एबल टू स्केप वंस सेकेंड और फिर से वो क्या करते हैं वो फिर से जाफर्स को भी मारते हैं बाकी लोग जो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं उनको भी मारते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होता है वो वापस स्केप कर जाते हैं यानी कि थ्रूआउट द स्टोरी जो क्वेश्चन था कि वो मिस यूज़ करेंगे या यूज़ करेंगे वो कंप्लीटली मिस यूज ही कर रहे थे अपनी डिस्कवरी का उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि इस डिस्कवरी का मैं राइट यूज कर सकता हूँ क्लियर तो पूरी स्टोरी में हमें यही समझाया जा रहा है यू नो ए थीम या मॉरल मैसेज क्या है कि आप जितनी कोशिश कर सको ना अपनी जो भी आप कुछ नया सीख रहे हो या कोई नई डिस्कवरी है या कुछ भी अच्छा है तो वह सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए करो कोशिश करो कि आप उसका सही उपयोग करो इफ़ यू गेट एन एडवांटेज यू नो अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है तो उसका ऐसा नहीं है कि आपको यू नो मिस करना है आपको गलत तरीके से उसका उपयोग करना है यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ इट इन गुड एंड बेटर वेज ताकि आपके लिए भी अच्छा हो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो फैमिली के लिए अच्छा हो फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा हो सो ओवरऑल इफ यू आर काइंड हार्टेड इफ यू आर सेंसिटिव इनाफ एंड इफ यू कैन प्रोवाइड समथिंग गुड टू दोसाइटी स्मार्ट साइंटिस्ट जरूर थे बट एज एन ह्यूमन बींगल साइंटिस्ट वो फेल हो जाते हैं क्यों बिकॉज एक तो उनका एंगर टेम्पर इश्यूज उनका नेचर हर चीज पर हिट कर देना लोगों को घर जला देना तो ये सब चीजें जो है ये प्रूव करती हैं कि भले ही वो इतने इंटेलिजेंट इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे बट वो डिस्कवरी वेस्ट होती है उनकी क्योंकि ना तो वो किसी बेटरमेंट के लिए यूज हो पाई और ना ही वो खुद का भी कुछ